रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीएम भूपेश बघेल ने वन अधिकार पट्टे की जमीन ग्रामीणों को वापस करने का लिया ऐतिहासिक फैसला। दंतेवाड़ा की जिला अधिकारी विनीत अंदरूनी निदान शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं पर की सुनवाई। रायपुर पुलिस मना रही बाल सुरक्षा सप्ताह, स्कूली छात्रों को कानूनी अधिकार के संबंध में दी जानकारी। मनेंद्रगढ़ पुलिस अधीक्षक टीआर कोसिमा ने अंतरजातीय अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। महासमुंद राजा डेरा धान खरीद केंद्र में मिली अनियमितता, तय मानक से अधिक ले रहे धान। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने वन अधिकार का पट्टा किसानों को वापस करने का फैसला लिया है, जिसकी वजह से भूमि पर रह रहे गरीब परिवारों में खुशी का माहौल है। इस दौरान किसानों ने बताया कि वापस मिली जमीन पर हम लोग फिर से खेती कर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएंगे। जमीन भेटा यह है 27 डिसमिल, जिसे हमें वहाँ उड़द और रहर कमाए हन। उड़द वरीस एक बोरा लखे और रहर के नाजो काटन, और पंचायत है आवेदन कर रहे सरपंच सचिव के। हमारे पास वन अधिकार पट्टा के 40 आवेदन आए थे, जिसमें 25 पात्र हितग्राही थे, जिन्हें हम घर पहुँच पट्टा वितरण कर दिया है और वे अच्छे से उसमें खेती कर रहे हैं और अपना आजीविका चला रहे हैं। और ये भूपेश सरकार की बहुत अच्छी योजना है, जिससे ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है इसका। क्या मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जिला जसपुर के अंदर 18,049 किसानों को अभी तक व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे का वितरण किया जा चुका है, और हमारा प्रयास है कि जितने भी हमारे हितग्राही हैं उनको हम शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ें, जिसमें कि जैसे आपने कहा कि उनका अगर उन्होंने धान लगाया है तो उनका हम धान में पंजीयन कर रहे हैं, जिससे कि अपना सोसाइटी के माध्यम से वो अपने धान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बेच सकें। उसके साथ ही हमारा प्रयास है कि उनको हम जैसे वेटनरी विभाग की योजनाएं हैं या फिर नरेगा की विभिन्न हमारे कार्य हैं, उनसे भी उनको हम लाभान्वित करने की ओर प्रयास कर रहे हैं। दंतेवाड़ा के जिला अधिकारी विनीत नंदनवार अंदरूनी गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं के लिए निदान शिविर का आयोजन किया। सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने शिविर में फरियाद लेकर आए दो लोगों को निजी खर्च पर पढ़ाई और इलाज का आश्वासन भी दिया। निदान कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई है, इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि हर गांव में जो है जाया जाए, गांव के लोगों से रूबरू हुआ जाए और जो भी उनकी समस्याएँ हैं उसको पहले ही समाधान कर दिया जाए। हमारी एक टीम वहाँ पर जाए और वहाँ पर पहले समाधान किया जाए, उसके बाद उनसे इंटरेक्शन किया जाए, और यदि उनकी कोई और मांग हो या समस्या हो तो उस पर आगे विचार किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ जो है आज गणमिली से हम लोगों ने कुआकोंडा ब्लॉक में निदान कार्यक्रम की शुरुआत। रायपुर के पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा और उप पुलिस अधीक्षक कविता ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाल सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल बैकुंठपुर के छात्र छात्राएं थाना भ्रमण के लिए सिटी कोतवाली बैकुंठपुर पहुंचे। थाना प्रभारी निरीक्षक अश्विनी सिंह ने बच्चों का स्वागत कर थाने से संबंधित सभी जानकारी दी। स्कूलों की शिक्षा दूसरी कक्षा की छात्रा निशा मिश्रा को एक दिन थाना प्रभारी बनाया गया। थाना भ्रमण के दौरान यातायात लांस नायक डॉक्टर महेश मिश्रा ने उनके अधिकार, कानूनी प्रावधान और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। साथ ही छात्रों ने बड़े होकर पुलिस विभाग में आकर देश की सेवा करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास के अधिकारी समेत कई उप जिला आला जिला अधिकारी भी उपस्थित रहे। मनेंद्रगढ़
पुलिस अधीक्षक टीआर कोसिमा ने अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करते हुए अंतरजातीय अवैध शराब तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी समेत अवैध शराब और 3 स्कूटी भी बरामद की है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस विधिक कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। महासमुंद के घोगरा गांव के किसान तुकाराम शाहू ने IDFC बैंक से ऋण लेने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए। दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने पर हलका पटवारी सीमा किरण ने तहसीलदार से शिकायत की थी, तो वहीं एक माह बीतने के बाद भी तहसीलदार लीलाधर के नेतृत्व में बनी टीम ने फर्जीवाड़े में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। फर्जी पैन के बारे में पता चला, मैंने पूर्ण दस्तावेज जो है फर्जी पाया, उसके संबंध में अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया मैंने उसके संबंध में। हल्का पटवारी सीमा किरण क्षेत्रीय द्वारा आवेदन दिया गया है कि वो पूर्व पदस्थ जहाँ हल्के में थी घोगरा में, तो वहाँ से जो उनका स्थानांतरण का पूरा हो गया था, तो उसके बाद भी किसी आदमी ने उसका साइन फोर्स करके नजीन अक्षर दिया गया है, उस संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है। उस संबंध में आ रही श्री बढ़िया जी से जांच प्रवेदन लिया गया है और अनावेदक तुकाराम को नोटिस जारी करा हो किया गया है। वो अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं, उनके अनुपस्थिति में उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए आगे का। महासमुंद के राजा डेरा धान खरीद केंद्र में फूड प्रभारी निरोत्तम पटेल किसानों से शासन से तय मानक से अधिक धान खरीद रहे हैं। 2 दिन पहले खरीदे गए धान को पुनः तोलने पर 41 से 42 किलो धान अधिक रहा। फूड प्रभारी किसानों से धान खरीद में बड़ी मात्रा में अनियमितता बरत रहे हैं। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के कुशमुंडा कोल परियोजना में कोयला उत्खनन के लिए असुरक्षित तरीके में ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसकी वजह से आसपास के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और स्थानीय निवासियों के घायल होने की भी संभावना बढ़ती जा रही है। कोयला उत्पादन को बंद करने के लिए स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। कोयला प्रबंधन ने मामले में संज्ञान लिया है और घरों के मरम्मत कार्य कराने का आश्वासन भी दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस में महाराष्ट्र पुलिस ने छत्तीसगढ़ के जनकपुर से चाइल्ड ट्रैफिकिंग की मुखिया समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए नागपुर लाई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तीनों ने ही शातिर अपराधी हैं। आरोपियों के खिलाफ नागपुर के अंबाझारी थाने में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। मनेंद्रगढ़ में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हाफिज मेमन के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में सैकड़ों युवा कांग्रेस के सदस्यों ने रैली निकालकर राहुल गांधी का समर्थन किया और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो जैसे नारे लगाए। रैली राजस्थान भवन से शुरू होकर PWD चौक पर संपन्न हुई। नगरपालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने कहा कि युवा कांग्रेस राहुल गांधी देश के युवाओं को नेतृत्व प्रदान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के साथ ठगी की है, आने वाले समय में युवाओं के लिए आंदोलन करेगी। साथ ही कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। बीजेपी की जो मोदी जी की सोच है वो हिंदुत्व और ये मुस्लिम और ये जातिवाद की राजनीति करके आपस में लड़ा रहे हैं मुसलमान। मैं ये कहती हूँ कि क्या हर हिंदू के हम लोग क्या राम जी को नहीं मानते, क्या कांग्रेस राम चंद्र जी को नहीं मानते, लेकिन ये लोग पेटेंट कर लिए हैं कि जय श्री राम जी को। अरे राम तो हम खुद बोलते हैं, जय श्री राम जय सिया राम। भारत जोड़ो यात्रा युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में और ये हमारे माननीय राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर दूर की यात्रा कर रहे हैं। ये पूरे राज्य में एक पहला राज्य होगा कि जिसमें युवक कांग्रेस हर 100 किलोमीटर दूर में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। और जब से 8 साल में भाजपा की सरकार आई, इतना नफरत फैला दी है, भाई को भाई से लड़ा रही है और महंगाई इतनी बढ़ रही है, राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर दूर चल रहे हैं। आज इसी तारतम में हम लोग मनेंद्रगढ़ में
भारत जोड़ो यात्रा निकाले। देश को जो सांप्रदायिक ताकतें तोड़ रही हैं उनको जोड़ने के लिए जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक वचन के तौर पे 4000 किलोमीटर की यात्रा जो निकाली है, उसी यात्रा के कार्यक्रम में हम लोग सभी इस बात के एक पूरा भारत देश उनके साथ है, उनके कार्यक्रम में हम लोग यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में शहर शहर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। दंतेवाड़ा की ग्राम पंचायत कदमपाल में पीडब्ल्यूडी विभाग ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया था। सीएम भूपेश बघेल ने खुद इस अस्पताल का लोकार्पण कर उद्घाटन किया था, लेकिन अब यही स्वास्थ्य केंद्र चारगाहों और जानवरों का अड्डा बन गया है। प्राइम टीवी के संवाददाता ने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्वास्थ्य केंद्र है, जिसकी वजह से मरीजों को सही समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र बना है, पर इसको चालू करने के लिए पहले कलेक्टर दीपक सोनी सर थे, उसको हम लोग ने 3 से 4 बार कागज दिए कि इसको स्वास्थ्य केंद्र को जल्दी चालू किया जाए। 3 से 4 बार भी दिए, अभी जो कलेक्टर नए आए हैं उसको भी 3 से 4 बार दिए, पर अभी तक कोई कलेक्टर और जिला प्रशासन से सुनवाई नहीं किया जा रहा है। इसको उद्घाटन तो किए है पर चल नहीं रहा है, जो कदमपाल के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा है, यहाँ के लोगों को क्रांदुल हॉस्पिटल जाना पड़ता है। दो दो बार यहाँ पे हुआ है, मतलब क्या बोलना चाहिए, बोर्ड लगा है, दो दो बोर्ड, डबल पैसा खर्च दिखा रहा है, कुल मिला के यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। बेमित्रा के गुनर बोर्ड गांव में संचालित उचित मूल्य राशन की दुकान में लोगों को सही समय पर राशन नहीं मिल रहा है, और साथ ही राशन के दामों में बढ़ोतरी की भी खबर सामने आ रही है। लोगों ने बताया कि सोसाइटी संचालक की सह पर राशन दुकानदार अपनी मर्जी से दुकान खोलता है और बंद करता है। दो दिन हो गया के यहाँ पर तपस्या कर रहा है, आओ आज अंगरी लगाते हैं, अंगरी नहीं उड़ता है, तमाचा नहीं मिलता है, ऐसे कि कपन आपस चल देते साहब, हम यहाँ तपस्या कर रहे और लुए टोरल जा रहे थे, गरीब आदमी हम हाँ घर में बैठा हैं। कल भी लाइन लगा रहे हैं सर में, हाँ आज भी लगा है, यहाँ तो कोई कभी नेटवर्क नहीं होनी है, सब दिन भर परेशान है, खेत पर खेत खाला छोड़ के अपन अपन, अब ये तो आज भर बाटूँ कब, शनिवार के बाटूँ कहा था। दो दिन से ग्राम गुनर ग्राम पंचायत चौभट्टी के आश्रित ग्राम गुनर बोर्ड का जो शासन राशन का जो वितरण दुकान है, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे कई महिलाएं हैं जो सुबह 4:30 बजे से आकर यहाँ बैठे हैं। बेमित्रा के संबलपुर गांव में पत्रकार के घरवालों के साथ सरपंच और उसके साथियों ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि पत्रकार ने सूचना के अधिकार के तहत कुछ जानकारी मांगी थी, जिससे खफा होकर सरपंच ने और उसके घरवालों के साथ मारपीट की। पीड़ित ने थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद पत्रकार संघ के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर 5 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और साथ ही धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। SSP ने घटनाक्रम में संज्ञान लेते हुए पत्रकार संघ के सदस्यों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और अगर कुछ कमी बेसी होगा तो उसको बारीकी से करके पूर्ण कार्रवाई की जाए। सर क्या राजनीति आरोपियों को? ना, ये कोई राजनीति कुछ नहीं है, उसमें विधिवत कार्रवाई हो रही है और पूर्ण कार्रवाई करेंगे। सर लगातार पत्रकारों के ऊपर ऐसे हमले हो रहे हैं सर, अब इसके लिए सभी थाना प्रभारी को निर्देश हाथ के तरफ से जारी कर दिया गया है और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका आश्वासन दे रहे हैं। सरगुजा के मैनपाट विकास खंड में प्राथमिक शाला स्कूल दाती ढाबा के निर्माण कार्य में पढ़ने वाले छात्रों से राजमिस्त्री का कार्य कराया जा रहा है। वहीं प्रधानापाठक विलियम तिर्की ने पूरे मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे ने कहा कि स्कूल में छात्रों से काम कराने का मामला सामने आया है, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी को घटना के संबंध में जाँच करने और सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए हैं। अभी ये संज्ञान में आया है विकासखंड मैन पार्ट के दाती ढाब में कि बच्चों से काम कराया जा रहा है, तो उसको संज्ञान में आते ही मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए हैं, और जैसी रिपोर्ट आती है और यदि
गलत है तो जो जिसने गलती की है उस पर कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर के प्राथमिक स्कूल केदारपुर के 8वीं के छात्र साहित्य सिंह को एक दिन का महापौर बनाया गया। बता दें कि इस छात्र ने एक दिन का महापौर बनने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने उसकी इच्छा को पूरा करते हुए छात्र को अपनी कुर्सी पर बैठाया। इस दौरान महापौर अजय तिर्की ने साहित्य सिंह से कई सवाल भी पूछे, उसके बाद उन्होंने छात्र के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। मुझे महापौर बना, मुझे बहुत खुशी हुई। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और क्या करते हैं इस क्लास में? मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और केदारपुर स्कूल में पढ़ता हूँ। अंबिकापुर के सबसे पुराने स्कूल केदारपुर स्कूल, मुझे लगता है कि आधा शहर वहीं से पढ़ के निकला है और वहाँ के एक बच्चे की इच्छा थी कि मैं एक दिन के लिए महापौर की कुर्सी पर बैठूँ। साहित्य सिंह वो आया और जो क्वेश्चन मैं पूछा उन्होंने इतना फर्राटे से जवाब दिया कि बहुत खुशी होती है कि टीचर्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में इतने अच्छे से उनको इतनी ऊंचाई तक ले आए हैं। मैं बच्चे के उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ। प्राइम छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस